महंगे प्याज के सियासी रूप से घबराई दिल्ली सरकार अब खुद प्याज बेचेगी। चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद सोमवार से 125 मोबाइल वैन्स के जरिए करीब 600 जगहों पर लोगों को किफायती दरों पर प्याज मुहैया कराया जाएगा। सरकार के मुताबिक प्याज की सप्लाई अब ठीक हो रही है, लिहाजा जल्द ही प्याज की कीमतों पर काबू पा लिया जाएगा। बोर्ड के डायरेक्टर जो है तिवारी साहब, तो दोनों जाएंगे कि जब हम ज्यादा से ज्यादा अलवर से खरीद कर सके, जिसमें उम्मीद है कि प्राइस और भी कम हो जाएगा। इससे पहले शीला महंगे प्याज के मुद्दे पर शरद पवार से भी मिली थी, साथ ही व्यापारियों से भी शीला ने प्याज की किफायती दरों पर बेचने की अपील की थी। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, सरकार का मरहम काम करने लगेगा ताकि वोटिंग के समय सरकारी प्रयासों का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिले। ये बातें आज आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी चिंता भी आप लोगों को सबको थी, हम लोगों को भी थी। प्याज पर जारी राजनीति में कांग्रेस कहीं भारी ना पड़ जाए, इसके लिए बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से अपील की है कि उन्हें भी सस्ता प्याज बेचने की अनुमति दी जाए। बेशक प्याज कोई भी बेचे, लेकिन चुनावी मौसम में यहां जनता को राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।